नमस्कार मित्रों, मैं दिवस पंडा ज्योतिष आचार्य आज पुनः आपके सामने उपस्थित हुआ एक नया टॉपिक लेके। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं छह मूलांक के जातकों के बारे में। आज हम समझेंगे मित्रों, छह मूलांक के जातकों का स्वभाव कैसा होता है, हम कैसे पहचानेंगे कि ये जातक छह मूलांक का है। जो भी जातक 6, 15 और 24 तारीख को जन्म लेते हैं उनका मूलांक 6 होता है। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले मित्रों, मेरा एक प्रेम भरा आपसे निवेदन, अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। मैं कंटिन्यूशन में वीडियो डाल रहा हूं मित्रों, आप लोगों को जानकारियां देने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है मेरे वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे। कृपया मेरे वीडियोस को लाइक जरूर करें, हो सके तो शेयर भी करें और बेल आइकन का बटन को प्रेस कर दें जिससे मेरे वीडियो आपको समय पर जल्दी मिल पाए। अब आगे बढ़ते हैं मित्रों, छह मूलांक के जातकों के बारे में अपन बात करते हैं। छह मूलांक के जातकों का गृह स्वामी होते हैं शुक्र भगवान। शुक्र ग्रह इनके गृह स्वामी होते हैं। शुक्र ग्रह गृह स्वामी होने के कारण ऐसे जातक प्रभावी, सुंदर और मनमोहक होते हैं, है ना मित्रों? मतलब ये बहुत प्रभावी होते हैं, देखने में बड़े सुंदर और मनमोहक दिखाई देते हैं। मित्रों, छह मूलांक के जातक का शरीर सुगठित होता है, ये थोड़े लंबाई भी इनकी अच्छी होती है, कटकाठी और सौंदर्य से ये लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, ये इनकी एक खास विशेषता होती है। मित्रों, छह मूलांक वाले शुक्र ग्रह स्वामी होने के कारण ये सौंदर्य प्रेमी होते हैं, थोड़ा सजना संवरना इनको बहुत अच्छा लगता है, ये काफी शौकीन होते हैं कपड़े पहनने में, टिप टॉप रहने में, ये आधुनिक जो फैशन चल रहा है लेटेस्ट फैशन के अनुरूप ही कपड़े पहनते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं कि कुछ भी पहन के निकल गए, ये थोड़ा टिप टॉप अप टू डेट रहना है ज्यादा पसंद करते हैं। छह मूलांक वाले लोगों का एक और खासियत है, इनका शरीर सुगठित और सुडौल होने के कारण ये लंबे समय तक जवान दिखते हैं, मतलब ये अपने उम्र से हमेशा कम उम्र के दिखाई देते हैं, है ना। इनकी सेहत अच्छी रहती है, ये फिट दिखते हैं, है ना। और ये लोग दुनिया के साथ चलने पे यकीन रखते हैं। ये जातक हसमुख का मिलनसार स्वभाव के होते हैं, अनजान शख्स से भी मिलते हैं तो तुरंत उससे अपना दोस्त बना लेते हैं। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं मित्रों, और इनकी एक खासियत है मित्रों, ये अकेले रहना पसंद नहीं करते, ये परिवार के साथ मिलके चलते हैं, परिवार को साथ में लेके चलने वाले लोग होते हैं, मिलनसार स्वभाव के होते हैं, है ना। और जहां भी जाते हैं अपने दोस्त बना ही लेते हैं मित्रों, माने यहाँ कहीं भी आप इनको अकेला नहीं पाओगे। हृदय के बड़े कोमल होते हैं, थोड़े से दयालु प्रवृत्ति के बोल सकते हो आप। किसी का दुख तकलीफ यदि इनको दिखता है तो जो बन सकता है इनसे वो मदद जरूर करते हैं ये, है ना। इनमें मतलब दूसरों की हेल्प करने की भावना कूट कूट के भरी रहती है। छह मूलांक के जातक सही रास्ते में चलने पे यकीन करते हैं, ये नीतिवान होते हैं, इन्हें गलत बात पसंद नहीं होती और गलत तरीके से जो लोग काम करते हैं वो भी इन्हें पसंद नहीं होते। कई बार ये अन्याय के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, मतलब विद्रोह कर देते हैं, कोई कुछ गलत कहीं हो रहा हो और ये वहां पे हैं तो कई बार उसके अगेंस्ट में ये बोल उठते हैं या खड़े होकर उसका विरोध कर देते हैं। वे तो छह अंक वाले लोग चुपचाप नहीं रहते, मतलब वहां पे इनको कलात्मक चीजों में बड़ी रुचि होती है, नृत्य संगीत वगैरह में इनका इनकी रुचि काफी रहती है। मित्रों, शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छी शिक्षा इन लोग प्राप्त करते हैं मित्रों, हायर एजुकेशन हायर स्टडीज वाले जातक देखने को मिलेंगे छह मूलांक वाले। आर्थिक स्थिति में थोड़ा इनके उतार चढ़ाव चलता रहता है, माने वैसे पैसे की इनकी कोई बहुत विशेष कमी नहीं रहती, लेकिन कभी ये महसूस करते हैं कि अभी थोड़ी सी टाइट पोजीशन है तो कभी ये महसूस करते हैं कि नहीं अब कंफर्टेबल पोजीशन पे आ गए हैं। इस टाइप का अप डाउन इनके जीवन में चलता रहता है। संपत्ति के मामले में कई बार कोर्ट कचहरी के चक्कर ये लोग काटते रहते हैं मित्रों, थोड़ा सा ये छह मूलांक के साथ ये थोड़े से प्रॉब्लम देखे गए हैं। वैवाहिक जीवन में देखा जाए तो वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं कहेंगे छह मूलांक वाले लोगों का, थोड़ा सा लव अफेयर्स भी इनके यदि होते भी हैं तो ब्रेकअप जल्दी हो जाते हैं, है ना। वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी कठिनाई देखी गई है मित्रों, भाई बहन और रिश्तेदारों से भी इनके संबंध बहुत अच्छे नहीं रहते, थोड़े से मतभेद बने रहते हैं मित्रों। बाकी 2, 3, 6 और 7 मूलांक वाले जातकों से इनके बहुत अच्छे संबंध रहते हैं मित्रों, ये जातक इनके बहुत अच्छे मित्र साबित होते हैं। तो आज के लिए बस इतना काफी है मित्रों, मुझे लगता है आप अच्छे से छह मूलांक के जातकों को समझ गए होंगे। कल हम चर्चा करेंगे 7 मूलांक के जातकों के बारे में। तो मैं आपसे विदा लेता हूं, जय माता दी, नमस्कार मित्रों।